पास में बुला करके कहता है कि हे ब्राह्मण राज, बोले ये उल्टा सोनो होना चालू हो गया, घोड़ा घास छोड़ दिया, महल का कांगरा धड़ गया, भाई नीम दे भाई के बुखार छट गयो, ये कारण क्या है? बोले उल्टा तीतर बोल लगा। अपनी सुन करके जो है पंडित ब्राह्मण है उस राणा की बात को सुनता है, और राणा की बात को सुन करके जो है अपनी भाई उठा करके जो है उतलता है तो वापिस बंद कर देता है। अपनी देख करके जब राणा जी ने कहा कि हे पंडित जी, हे ब्राह्मण राज, ये क्या हुआ? किस प्रकार से तो आपने खोला, किस प्रकार आपने इसको बंद कर दिया? अपनी बात को सुन करके जब ब्राह्मण बड़ा उदास होता है, ब्राह्मण बड़ा उदास होता है, कहता है कि कहूं क्या राणा जी कहीं नहीं जाती, और कहूं तो मेरी उजली आवे छाती। बोलो ना जो भी थे जो मेरे सामने कर दे। उसी टाइम के अंदर जब खोल खोल करके ब्राह्मण ने बताया कि गोठा के अंदर कोई अवतार जन्मा है, समय करे नर के एक रहे राणा जी वहनी को ना टाल, और सिर पे प्लेटा काट रहे तेरो सुन रो काल। बोलो सिर के माड़ा आ गयो, और अब तेरी टाल हुए बाकी हाथ ही कोन्या। राणू जी खड़े हो क्रियान, बोली कि कोई विधि विधान क्या होगा? बोले विधि जरूर तूने बता सका जा। बोले के अपनी बात को सुन करके ब्राह्मण फिर से बोले महाराज, कोई न कोई जा क्रियान वो बच्चा को आटो काट दे तो तू बच जाए। अपनी बात को सुन करके जब राणा जी ने कहा कि जाओ, मैं खुश हो करके आपको 5 गांव इनाम में दूंगा, अगर उस बच्चा का वध करके मेरे पास में आओगे तो 5 गांव तूने नाम के मां दे दूंगा। और एक अपनी बात को राणा जी की बात को सुन करके ब्राह्मणों के मुंह से पानी आ गया। अरे बोले सड़ा हो न जाकर मारनू ही तो छे, छोटो स्टाबर छे रू काटो काट देंगा नून 5 गांव आग दड़ी बन जाऊंगा। अपनी सोच करके एक ब्राह्मण दिल के अंदर खुशी मनाते हैं, तो किस प्रकार से मना रहे थे, किस प्रकार से राणा जी से हाथ आमनी कर रहे थे। ये बेटो सांडू को मारांगा ओ पंडित जी कर चलावे, बात कही रे प्यारा गायम गदा मिलावे।
साडू को आवे आत्माया राम अरवा जन म्यों लत्यारो मेरा कर दियो बुरजा जाम ये रतनी बात खई रे प्यारा जी के चाहत चावे लेकर के हम तुरंत जाएंगे और उस साधु को लाल को मार करके आपके पास में आएंगे। अपनी बात को सुनकर के जब राणा जी ने कहा कि बार बार धन्यवाद देता हूं पंडित जी आपको ब्राह्मणों, जल्दी करके साधु के पास में जाओ और कोई भी दूथर कोई भी विधि लगा करके उसका पूत को मार करके आओ। अपनी बात को सुनकर के जब उसी टाइम के अनुसार सबका सब ब्राह्मणों के दिल में चाव होता है, मुंह से पानी आता है कि उकलाल मारांगा और पास गांव इनाम में लांगा। वहां से जब रौनगी लेकर के चलते चलते चारों ब्राह्मण सल्ला मसूरी करते कदम से कदम बढ़ाते हैं और लंबे लंबे सांस लेते हैं आपस में बताड़ा है बोले यार वह छोटो सो बाड़ा की तो छे अरे उन्हें दर्द से एक दणो महान जाकरियान मारिया जो साधु कोई भी विधि सुवार काट दीजो। अपनी बात को सुन करके चलते चलते गोठा के अंदर जाते हैं, चलते चलते वहां पर चले जाते हैं भयानक को क्रॉस करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए साधु माता के पास में जाते हैं। आते हुए ब्राह्मणों को साधु देख करके बड़ी खुशी मनाती है। समय करे नर के एक रहे विधाता ईश्वर मेल मिलायो, समय करे नर के एक रहे विधाता ईश्वर मेल मिलायो। और चारू ब्राह्मणा ने देखी माता साधु जी का दिल में चाव छड़ायो। हे ब्राह्मण राज आज इस दुखिया के पास में आपका किस प्रकार से आना हुआ और किस प्रकार से माता साधु के पास में आकर के इसको धीर बनाना हुआ। हे ब्राह्मण जो कदम इस पृथ्वी के ऊपर रखे हो, जो पृथ्वी के ऊपर नहीं मेरे जो कदम पृथ्वी के ऊपर रखे हो मेरे सिर के ऊपर रखे हो, आपका मान और सम्मान बताओ मैं क्या आपका मान और सम्मान करूं। ब्राह्मण राज
पानी पीजिए, हे ब्राह्मण राज भोजन कीजिए। अपनी बात को सुन करके कौन ब्राह्मण कहते हैं, खड़े होकर के अपनी बात को जब माता साडू की बात को सुनते हैं और खड़े होकर के एक ब्राह्मण माता साडू से कहते हैं तो क्या कह रहे थे, किस प्रकार से मां साडू उस ब्राह्मणों की बात को सुन रही थी।